बुशरा बीबी जो आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह केपी में, अब वो क्या नाम है, सुना है कुछ सियासत में हिस्सा विस्सा लेंगी, क्या खबरें हैं आपके पास? देखिए, इब्तदाई तौर पे तो शायद ये उन्होंने यहाँ पे एक मीटिंग की, जो कोर कमेटी के लोग थे उनसे भी मीटिंग हुई और उनको बुलाया गया, यहाँ पे जो सीनियर मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर से प्रिलिमिनरी मीटिंग हुई, लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत कुछ नासाज थी, जिसके बाद उनका खुद मेडिकल चेकअप हुआ यहाँ पे शौकत खानम हॉस्पिटल में पिशावर में, और कहा यह गया था कि दो तीन चार दिन आराम के बाद वो बाकायदा जो है वो तमाम कोर कमेटी के मेंबर से मिलेंगी और ओवरऑल। तो शाह साहब, फिर बैरिस्टर सैफ ने ये चीज रिफ्यूज क्यों की? उन्होंने ऑन एयर आके कहा कि ये झूठ है, कोई नहीं, उन्होंने ना किसी कमेटी के ऊपर इजलास किया और ना वो कोई सियासत करेंगी। देखिए, वो तो मेरे ख्याल में इनकी पार्ट, अगर आप रिकॉर्ड को देखें तो पीछे शायद उनका शायद इतना एक्टिव रोल नहीं रहा पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन एक चीज जरूर होगी, अगर बानी चेयरमैन जो है वो जेल के अंदर है तो एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट ऑफ ऑपरेशन होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले देखें पार्टी के अंदर जो इख्तलाफा थे वो बड़े विजिबल थे, आपके पंजाब के पार्टी के जो लोग थे या आपके जनरल सेक्रेटरी थे, बैरिस्टर गौहर हो गए, शाह फरमान हो गए, साथ उमर अयूब हो गए, और अली अमीन गंडापुर ने जिस तरीके से तमाम प्रोटेस्ट को लीड करने की कोशिश की और वो ऊपर आए, तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा, वो कहते हैं ना, सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था पार्टी के अंदर, जिसके बाद पार्टी लीडरशिप के दौरान का दरमियान जो है काफी इख्तलाफात थे। तो एक अली अमीन को ये फायदा होगा कि बुशरा बीबी की यहाँ मौजूदगी से उन्हें एक इंडोर्समेंट मिलेगी, जो डिसीजन वो करेंगे किसी भी लिहाज से, ये एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि कितना रोल बुशरा बीबी के पास होगा और वो किस तरीके से ऑपरेट करेगी। हाँ, ये जरूर है कि उनकी यहाँ मौजूदगी मेरे ख्याल से एक लिहाज से जो चीफ मिनिस्टर हाउस है उसको ताकतवर बनाएगी कि वो आगे डिसीजन करें। और आपने देखा कि जो अली अमीन का स्टांस है प्रोटेस्ट के हवाले से, दूसरी चीजों के हवाले से, क्योंकि वो काफी क्रिटिसाइज हुए, बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ प्रोविंस ही वाज नेवर ऑथराइज्ड टू लीड सच लाइक प्रोटेस्ट डेमोंस्ट्रेशन। तो मेरे ख्याल में लगता है कि तरीके साहब कुछ थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज कर रही है, अब अली अमीन जो है बैकफुट पे नजर आएंगे और आपको जो बाकी पार्टी लीडरशिप है वो शायद कोशिश करेगी कि वो रोडों पे निकले या प्रोटेस्ट करे, ये एक स्ट्रेटेजी चेंज नजर आ रही है विजिबली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।